फिर मैं आपकी खिदमत में एक नया व्लॉग लेके आई हूँ। मैंने कहा चूँकि आजकल हर तरह की जो है वैरायटी चल रही है फैशन के लिहाज से, लेकिन मेरी एक अपनी कलेक्शन है, जो चीज़ मुझे बाज़ार में पसंद आती है वो मैं ले आती हूँ। मैचिंग्स मैंने हेयर बैंड्स रखे हुए हैं, मैचिंग पोनियाँ रखी हुई हैं, मैचिंग हर चीज़ के साथ छोटी से छोटी चीज़ जो है वो मैचिंग रखी हुई है। मेरे पास इतनी ह्यूज वैरायटी है कि जिसके लिए मैंने कहा चलो अपनी नाज़रीन से शेयर करती हूँ। उनमें से कुछ चीज़ें जो है वो आपकी खिदमत में लेकर आई हूँ। हाँ जी नाज़रीन, ये देखें, ये हेयर बैंड्स की कलेक्शन है मेरे साथ, हर सूट के साथ, हर मैचिंग के साथ जो है वो मैंने ये लिए हुए हैं। इसे देखें, बड़े खूबसूरत से भी और भी हैं मेरे पास, वो काफ़ी फैंसी से भी हैं, वो किसी ख़ास फंक्शंस पे मैं लगाती हूँ, लेकिन अगर बाहर जाना हो आना हो तो उसकी रोज़मर्रा रूटीन के लिए अक्सर औकात मैं इनको इस्तेमाल करती हूँ। ये कितना खूबसूरत है, काफ़ी वैरायटी है। मैंने कहा चले अपने नाज़रीन के साथ शेयर करती हूँ कि क्या हम लोग पहनते हैं, क्या करते हैं, बालों का किस तरह करते हैं। ये मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, ये मैंने कुछ अरेंज करके इस तरह रखे हुए हैं। काफ़ी सारी वैरायटी है, लेकिन मैंने कहा चले कुछ जो है वो अपने नाज़रीन के लिए सामने दिखाती हूँ। ये ह्यूज कलेक्शन है, हर सूट के साथ, हर मैचिंग के साथ अमूमन इस्तेमाल किए जाते हैं ब्लैक और वाइट, लेकिन मेरा शौक है और मेरी सिस्टर का भी कि हम लोग हर सूट के साथ मैचिंग ही यूज़ करते हैं। जब दिल करे हेयर बैंड्स लगा लेते हैं, जब दिल करे कैचर लगा लेते हैं, और या बालों को खोल लिया जाता है। ये बड़े खूबसूरत कलर्स में है, कलरफुल से जी। ये देखिए कैचर्स की वैरायटी काफ़ी सारी, एक एक निकालूंगी तो मुश्किल हो जाएगी। ये मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, ये अभी कुछ है, काफ़ी सारे मेरे पास वो भी पड़े हैं। ये सिंपल जो नॉर्मल रूटीन में लगाने के लिए मैं इसको यूज़ करती हूँ, फंक्शन वगैरह में और होते हैं, उनमें वैसे ज़रूरत भी नहीं पड़ती है क्योंकि उनमें और बहुत सी चीज़ें होती हैं सर पे लगाने के लिए। वो भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको सारी अपनी कलेक्शन दिखाऊंगी। ये सिर्फ रोज़ की जो कलेक्शन है ना, जो यूज़ करते हैं रोज़मर्रा डेली के अंदर, वो मैं आपको दिखा रही हूँ थोड़ी सी। अब मैं इसको डालती हूँ, इसको साइड पर रखती हूँ और आपको बाकी अपनी छोटी जो है उनकी कलेक्शन दिखाती हूँ। चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखने का हम दोनों बहनों को बहुत शौक है, बिखरी हुई चीज़ें नहीं अच्छी लगती, हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड और अच्छे तरीके से रखी जाती है। ये नहीं होता कि जी किस टाइम पे कोई चीज़ ढूंढनी पड़े तो हम लोग ढूंढते रहें बस। अब ये छोटी सी जो पोनियाँ हैं छोटे से बालों के ऊपर थोड़ी सी लगाने के लिए, उसको मैंने देखे, ये मैं बाज़ार गई थी, इस ये बड़ी खूबसूरत थी, प्यारी सी छोटी सी क्यूट सी मुझे लगी थी, तो मैंने इसके लिए बाय कर ली और इसमें मैं अपनी कलेक्शन ये वाली रखती हूँ। ये थोड़ी सी कलेक्शन है, बाकी चीज़ें दूसरी में पड़ी हैं। ये देखिए मैं इसको भी उंगेल के आपको दिखाती हूँ, ये मेरी छोटी सी बकेट है, ये मेरी सारी कलेक्शन है। जब थोड़ा सा बालों को टाई अप करना होता है तो फिर मैं इनका इस्तेमाल करती हूँ, इसकी भी एक ह्यूज कलेक्शन मेरे पास मौजूद है। इस तरह ऑर्गेनाइज सी अच्छी सी चीज़ें जो है वो अच्छी लगती हैं, बिखरी हुई चीज़ें देखने में भी बहुत बुरी लगती हैं और जब यूज़ करनी होती हैं तो कोई चीज़ मिलती भी नहीं अपनी जगह पे। छोटे में भी देखें मेरे पास हर कलर में कलेक्शन है, हर डिज़ाइन में कलेक्शन है, बड़े कलरफुल से ब्राइट कलर्स हैं और इतनी छोटी सी इसमें मैंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है इसको। इसके लिए ये रखे हुए हैं और मैंने हेयर बैंड्स के लिए इसको इस तरह यूटिलाइज किया सारा कुछ। ये मेरी खूबसूरत सी छोटी सी कलेक्शन है जो मैंने आपके साथ शेयर की। जी नाज़रीन, मैंने अपनी छोटी सी जो है वो कलेक्शन आपके साथ शेयर की है, बालों के मतलब कैचर, छोटी पोनियाँ, मतलब कैचर ही उनको कहते हैं, छोटे कैचर, हर कलर के, हर सूट के साथ मैं किस तरह उसको कैरी करती हूँ, हेयर कैच, हेयर बैंड्स हैं, और ये छोटी सी कलेक्शन मैं आपके लिए लेके आई थी। ये मैंने कहा कि आपको दिखाऊं, कुछ शेयर करूं आपके साथ, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और ये मेरा छोटा सा व्लॉग
और इसको देखिए, पसंद कीजिए और शेयर कीजिए, और मुझे अपने कमेंट्स में अपने जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आगाह कीजिए कि आपको ये कैसा लगा। आप भी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।